खड़ा में आपका एक बार फिर स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबर, दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। शराब घोटाला केस में ईडी को अहम दस्तावेज हाथ लगे हैं, जिसके बाद आतिशी ईडी के रेडार पर आ गई है। ईडी को आतिशी पर गोवा चुनाव के लिए रिश्वत लेने का शक है। आरोप ये है कि शराब घोटाला केस में 45 करोड़ रुपए गोवा चुनाव में भेजे गए थे। आतिशी गोवा चुनाव में आम आदमी पार्टी की इंचार्ज थी और इंचार्ज ही सारे खर्चे का हिसाब रखता है। उधर आपके नेता सौरभ भारद्वाज ने आतिशी पर लगे आरोप पर पलटवार किया है। उन्होंने दावा किया कि ईडी और सीबीआई को कोई सबूत नहीं मिले हैं, उन पर झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। ईडी लगातार ये कहते रही जो इंटर पॉलिसी का पैसा गोवा में इस्तेमाल किया गया, ये कहा जा रहा है कि उस वक्त आतिशी गोवा में इंचार्ज थी और उन्होंने शिकायत भी दी थी, तो क्या उस वजह से भी ये खतरा है गिरफ्तारी का? पूरे गोवा के अंदर चुनाव लड़ा और कह रहे 70-80 लाख रुपए की जो है कैश ट्रांजेक्शन है ये आरोप है, इसलिए हजारों करोड़ का घोटाला हो गया, इसलिए हमारे चार नेता अंदर हैं, चार नेता और जाने वाले हैं। शर्म आनी चाहिए, कोई अगर देखेगा तो भारत की जो है पूरी की पूरी इमेज ही खत्म हो जाएगी कि ये इनकी जो है सेंट्रल एजेंसीज का हाल है। ओपी तिवारी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो आरोप ये लग रहा है कि उनके पास ईडी सीबीआई के पास कोई सबूत नहीं है। कोर्ट में ईडी ने कहा कि केजरीवाल ने सौरभ भारद्वाज और आतिशी का नाम लिया, अब क्या ईडी के पास तथ्य हैं? आतिशी ने कहा अगले कुछ दिन में मेरे घर पे भी रेड होने वाली है। देखिए आनंद, मैं बता दूं, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को कुछ ऐसे दस्तावेज मिले हैं जिनके आधार पर यह प्रतीत होता है कि आतिशी जो है वो गोवा चुनाव में इलेक्शन इंचार्ज थी। इस आशय का एक पत्र है जो आतिशी ने खुद गोवा चुनाव के ठीक पहले इलेक्शन कमीशन गोवा को लिखा था और इसमें उन्होंने कांग्रेस के 3 विधायकों की शिकायत की थी। ऐसा एक पत्र आतिशी ने गोवा इलेक्शन इंचार्ज की हैसियत से लिखा था। 13 मार्च 2022 को लिखा गया ये पत्र है और गोवा के इलेक्शन 14 मार्च 2022 को हुए थे। अगर ये पत्र सही है, जैसा कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का दावा है, तो ये पत्र अगर सही है तो आतिशी वो गोवा इलेक्शन की इंचार्ज थी और चूंकि गोवा में जो रिश्वत कांड हुआ है शराब पॉलिसी के बदले, उसकी जाँच इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट कर रहा है, तो ऐसे में संभव है कि आतिशी को इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट आने वाले समय में पूछताछ के लिए बुलाए, क्योंकि दस्तावेज साफ तौर पर यह बताता है कि जिस समय गोवा में इलेक्शन हुआ उस समय आतिशी ही इलेक्शन चार्ज थी। दूसरी बात, महत्वपूर्ण बात है कि एनडी गुप्ता का जो बयान है वो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ले चुका है और इस बयान में स्पष्ट तौर पर एनडी गुप्ता ने कहा है कि जो जिस स्टेट का इलेक्शन इंचार्ज होता है वही सारे खर्चे करता है और इलेक्शन इंचार्ज स्टेट का कौन बनेगा ये पार्टी का सर्वे सर्वा यानी एक तरह से अरविंद केजरीवाल तय किया करते थे। आनंद जी धन्यवाद।